रेट ऑफ रिएक्शन एमसीक्यूज। क्वेश्चन वन, व्हेन 4 grams ऑफ पाउडर्ड कैल्शियम कार्बोनेट मास 100 वर एडेड टू 100 सीएम क्यूब ऑफ 0.1 मोल पर डीएम क्यूब हाइड्रोक्लोरिक एसिड द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड वाज रिकॉर्डेड। अच्छा, टाइम दिया हुआ है और टोटल वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गिवन ऑफ दी हुई है। ठीक है, 240 seconds तक टाइम दिया गया है विद अ डिफरेंस ऑफ 30 seconds और वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्टेड दी गई है। ठीक, अब विच रो गिव्स द करेक्ट एक्सप्लेनेशन अबाउट दीज रिजल्ट्स। तो लेट्स गो ओवर द वॉल्यूम क्या है, 40, 70, 88, 101, 110, 116, 120, 120। तो जो 210 पर 120 बनी है उसके बाद वो इंक्रीज नहीं हुई, इसका मतलब 210 पे जाके जितना भी रिएक्शन होना था वो कंप्लीट हो चुका है। देर इज नो फर्दर इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो ऑप्शन ए, व्हाई द रेट ऑफ रिएक्शन चेंजेस विद टाइम एंड व्हाई द रिएक्शन स्टॉप्स। ए, फ्यूअर कोलिजन बिटवीन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स अकर, ये सही है। द कैल्शियम कार्बोनेट इज यूज्ड अप। ओके, इसके लिए काम करना होगा, हमें मोल्स निकालने होंगे कि किसके ज्यादा हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 4 grams ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट दिया हुआ है, विच मीन्स 4/100 इज 0.04 मोल्स। ये हो गए कैल्शियम कार्बोनेट के, और HCl के मोल्स निकालने के लिए हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वॉल्यूम दी हुई है, तो 0.1 मोल्स इन 1000, हाउ मेनी मोल्स इन 100। तो ये हो जाएगा 100/1000 इंटू 0.1, तो जीरो कैंसिल, तो ये हो गया 0.01 मोल्स। तो बेस्ड ऑन द मोल्स दैट हैव बीन कैलकुलेटेड, HCl इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट, नॉट कैल्शियम कार्बोनेट। तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है व्हाई द रिएक्शन स्टॉप द कैल्शियम कार्बोनेट इज यूज्ड अप, नो, कैल्शियम कार्बोनेट एक्सेस में है। तो अब ऑप्शन बी में मूव करते हैं, फ्यूअर कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स अकर, यस। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड अप, यस। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी और डी भी पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या गलती है। मोर कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, गलत, और डी में भी मोर कोलिजन है, तो ये इसी हिसाब से कैंसिल हो गया। और वाई रिएक्शन स्टॉप्स, कैल्शियम कार्बोनेट यूज्ड अप, नो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड अप। तो इसमें जो है वाई द रेट ऑफ रिएक्शन चेंजेस विद टाइम गलत दिया हुआ है सी और डी में, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, आयोडीन एंड प्रोपेनोन रिएक्ट अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन दी हुई है, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोपेनोन इज इंक्रीज्ड कीपिंग द टोटल रिएक्शन वॉल्यूम कॉन्स्टेंट The rate of reaction also increases. Okay, concentration of propanone is increased, rate of reaction increases. ठीक है, what could be the reason for this? Let's see. A greater proportion of collision is successful at the higher concentration. Iodine की concentration तो change नहीं हो रही है, तो no. B, the particles are further apart at a higher concentration. नो, फर्दर अपार्ट होने के लिए कंटेनर चेंज करना होता है। सी, द पार्टिकल्स हैव मोर एनर्जी एट अ हायर कॉन्सेंट्रेशन। नो, एनर्जी का ताल्लुक टेम्परेचर से है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हुआ, देर इज नो चेंज इन एनर्जी पोजेस्ड। डी, देर आर मोर कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट पार्टिकल्स पर सेकेंड एट अ हायर कॉन्सेंट्रेशन, यस, बिकॉज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर इंक्रीजिंग वेन यू यूज अ हायर कॉन्सेंट्रेशन। हायर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है कि उसके अंदर पानी कम है और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ज्यादा है, तो कोलिजन बिटवीन आयोडीन एंड वाटर वुड बी लेसर एंड आयोडीन एंड प्रोपेनोन वुड बी ग्रेटर। तो देयर आर मोर कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट पार्टिकल्स पर सेकंड एट हायर कॉन्सेंट्रेशन, यस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, अ लार्ज एक्सेस ऑफ मार्बल चिप्स वॉज रिएक्टेड विद 25 सीएम क्यूब ऑफ 1 मोल पर डीएम क्यूब हाइड्रोक्लोरिक एसिड एट 40 डिग्री सेल्सियस। How will the result be different when the reaction is repeated with 60 cm cube of 0.5 mole per dm cube hydrochloric acid at 40 degree Celsius? Achha, volume bada di, concentration kam kar di,
तो बेसिकली अभी ये चेक करना है कि नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं, तो दोनों में हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए हमें दोनों की वॉल्यूम और कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत है। तो इन द फर्स्ट केस 25 cm³ पर 1 मोल, तो 1 मोल आर प्रेजेंट इन 1000 cm³। हाउ मेनी मोल्स वुड बी प्रेजेंट इन 25 cm³? तो आपका कैलकुलेशन हो जाएगी 25 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 1, विच गिव्स अस 0.025 मोल्स। ये हो गया फर्स्ट केस। सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में इन्होंने बोला है 0.5 and 60, तो ये हो जाएगा 0.5 मोल्स आर प्रेजेंट इन 1000 cm³। हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 60 cm³? तो इसकी कैलकुलेशन में हम लोग 60 को डिवाइड बाय 1000 करेंगे और इसको मल्टीप्लाइड बाय 0.5 कर देंगे, और ये करने से हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 0.03 मोल्स। तो अगर आप कंपेयर करो तो जो सेकंड सिचुएशन है उसमें नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है एज कंपेयर टू द फर्स्ट सिचुएशन, तो कॉन्सेंट्रेशन इज इंक्रीजिंग। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ क्या करेंगे। पूछा गया हाउ विल द रिजल्ट बी डिफरेंट व्हेन द रिएक्शन इज रिपीटेड। ओके, हाउ विल द रिजल्ट बी डिफरेंट, द रिएक्शन इज फास्टर एंड लेस ऑफ द प्रोडक्ट्स आर मेड। गलत, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन या क्वांटिटी में कमी क्यों आ रही है। नेक्स्ट बी, द रिएक्शन इज फास्टर एंड मोर ऑफ द प्रोडक्ट्स आर मेड। यस, मोर ऑफ द प्रोडक्ट्स आर मेड और रिएक्शन इज फास्टर। एक मिनट, रिएक्शन इज फास्टर, रिएक्शन जो है वो कॉन्सेंट्रेशन पे भी तो डिपेंड करता है। वॉल्यूम बढ़ गई है, नंबर ऑफ मोल ज्यादा है लेकिन कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई है। रिएक्शन इज फास्टर व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन इज ग्रेटर, कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे कम हो गई है, तो रिएक्शन स्लोली होगा लेकिन प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया। ऑप्शन सी, द रिएक्शन इज स्लोअर, यस, एंड द लेस प्रोडक्ट्स आर मेड, नो। ऑप्शन डी, रिएक्शन इज स्लोअर, यस, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन कम है इन रियलिटी। 0.5 is a lower concentration than 1 mole per dm cube, and more of the products are made. Yes, because number of moles of HCl are greater. और हमें कैसे पता कि मोल ज़्यादा होंगे? क्योंकि देखो starting of the question में लिखा है a large excess of marble chips was reacted. यानी marble chips excess में हैं, which means कि जितने ज़्यादा आप moles of HCl लोगे, उतने ज़्यादा products बनेंगे. तो products ज़्यादा बनेंगे क्योंकि moles of HCl ज़्यादा हैं, और जो आपका रिएक्शन है, रिएक्शन का रेट जो है वो स्लो होगा बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl यूज्ड इन द सेकंड केस इज लोअर देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl यूज्ड इन द फर्स्ट केस। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी।